आप के, लिए एक बहुत ही के साथ आज बनाने जा रहीबल अचारीडियो कीजिएगा इसके लिए मैं चाहिए डेढ़ टेबल स्पून सॉल्ट थ्री टेबल स्पून सॉफ्ट डेढ़ टेबल स्पून क्रश राई यानी के पीसी हुई राई वन टेबल स्पून साबुत राई डेढ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डेढ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून हल्दी वन टी स्पून कलौजी और वन टी स्पून मेथी दाना इसके अलावा डेढ़ पाव लहसुन डेढ़ पाव बड़ी हरी मिर्चें ग्रीन बड़ी हरी मिर्चें और एक किलो गाजर और आधा किलो गोभी ये देखिए सारी सब्जियों को इस तरीके से हमने काट लिया है गाजर को पतली पतला कर लिया है और हरी मिर्चों को बीच में से काट दिया है गोभी क्रश कर ली है और लहसुन हमने छील लिए है मतलब कि लहसुन को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है फ्राई पैन ले लेंगे जिसको हीट करेंगे इसके बाद हम इसमें साबुत राई और पीसी हुई राई डाल के अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे इसको फिर बाउल में निकालेंगे इसके बाद हम इसमें सौंफ कलौंजी और मेथी को डालकर अच्छी तरीके से सॉटे करेंगे फिर इसको भी हम बाउल में निकाल लेंगे और इन सब चीज़ों को ग्रैंडर में डाल के अच्छी तरीके से क्रैंड कर लेंगे दर दरा सा हमें इसको पीस लेना है इस तरीके से अब हम इन सब चीज़ों को बाउल में डालेंगे और इसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर नमक कश्मीरी लाल मिर्च और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें वन कप ऑयल ऐड करेंगे ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे और फिर इसके बाद हम चूल्हे से के इसको अच्छी तरीके से ठंडा करेंगे ऑयल को इसमें सारे मसाले मिक्स कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से सारे मसालों को आप मिक्स कर लें इसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें गाजर ऐड करेंगे हरी मिर्च ऐड करेंगे और गोभी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि देखें इस तरीके से हमें इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसका सारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और अब हम इसमें टू टेबल स्पून विनीगर ऐड करेंगे भर कर और इसको भी इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से हमें दो तीन मिनट तक इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला आपस में मिक्स हो जाए और यहाँ देखें हमारा अचार बहुत ही मज़े का रेडी हो चुका है अब हम इसको कोई भी कंटेनर या कोई भी बॉटल हो आपके पास उसमें फ़िल कर लें और इसको कवर करके ओवरनाइट या एक दिन के लिए रख दें आपका अचार बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से जितनी बॉटल्स आप चाहें फिल कर लें और यहाँ हमारा मजेदार सा अचार रेडी हो चुका है उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें शेयर करें कमेंट करें और इस रेसिपी को ट्राई करके अपने रिव्यूज जरूर शेयर करें मिलती है नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज